हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिंस सिद्धार्थ है। हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मैं अपनी एक पुरानी यादों के ऊपर एक कंटेंट तैयार करके लेकर आया, अपने ख्याल। लेकिन यहाँ बहुत सारी आशिकी की बातें सुन के मेरा भी मन हुआ कि मैं अपना एक शायरी रखूँ कि आशिकी के बारे में जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे ख्याल हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कि मैं अपने गुरूर से ही लड़ता रहा कोई साथ देगा इस उम्मीद में सड़ता रहा कि मैं अपने गुरूर से ही लड़ता रहा कोई साथ देगा इस उम्मीद में सड़ता रहा। शायद मेरे पास था बहुत कुछ खोने के लिए तभी तो मैं सपने छोड़ आशिकी पे मरता रहा। तो अब मेरे ख्याल सुनिए आप, जो मैं लेके आया हूं। पुरानी यादें या पुराने दिन कह लो आप, कि मेरे दुश्मन ये सोच रहे थे कि मैं झुक गया। हाँ, एक वक्त आया जब मैं बीच रास्ते रुक गया, क्योंकि उस वक्त सपने खत्म तो मैं भी खत्म हो चुका था। अरे मैं भी खुदा का नेक बंदा हूं, ये उसकी मंजूरी थी जिसके आगे मैं हाथ जोड़कर झुक गया। थैंक यू सो मच। मुझे हार मंजूर थी पर नाकामयाबी नहीं। मैं झुका भी उसके आगे जिसमें कोई खराबी नहीं। उसने मेरा हाथ थाम कर मेरा हौसला बरकरार रखा। और सिखाया कि गिरना जरूरी है सिर्फ जीतना कामयाबी नहीं। अब तो गिरने की लत सी लग गई है मुझे और ये आदत भी बहुत अच्छी लग गई है मुझे। हार से, गौर करिएगा कि हार से डर खत्म हो गया मेरे फिर हारने का। और क्योंकि अब तो खुद से हारने की मुझे आदत सी लग गई है मुझे अब मैं कलम उठाकर लिखता हूं अपनी पुरानी यादों को जिनको मैं भूलना चाहता था, उन पुरानी बातों को। कुछ पुराने जख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं। घाव इतने गहरे हैं कि फिर कैसे भूलूं मैं उन हाथों को कि मैं लकीर का फकीर था। गौर से सुनिएगा कि मैं लकीर का फकीर था लेकिन अब आबाद हूं मैं मेरी पुरानी जिंदगी से ज्यादा तो मैं अब बर्बाद हूं मैं लेकिन फिर भी मस्त हूं मैं अपनी एक छोटी सी दुनिया में क्योंकि गुमनामी की जंजीरों से तो अब आजाद हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है ये उसकी मर्जी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं तो हर रोज जलता हूं खुद की आग में मेरे पास इतना वक्त कहां कि सोचूं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है कि हर चीज का हिसाब होगा। गौर से सुनिएगा इस लाइन को, कि हर चीज का हिसाब होगा वक्त आने पर किस्मत भी गवाही देगी उसकी अदालतों में मैं अर्जियां डालता रहूंगा उसको भी मजबूरी में फैसला करना पड़ेगा वक्त आने पर। थैंक यू सो मच गाइस। और आशिकी की बात चल रही थी तो मैं भी कुछ अपने ख्याल लेके आया हूं, तो गौर से सुनिएगा कि मैं आज हमारा तो एक तरफा ही रहा पहले मैं बता दूं इंट्रोडक्शन कर दूं कि हमारा तो एक तरफा ही रहा बस छोटा सा है आपको मैं वो पेश करता हूं अपने ख्याल कि मैं आशिकी बदनाम करने दूर तक यूं आ गया तेरे हुस्न पे पर्दा गिराने तुझको सुनाने आ गया तू अनसुना करती रही मैं बोलता सा रह गया हर लफ्ज मेरा आज तुझको ये बताने आ गया जब तक रही तू बात तेरी करता रहा हर शख्स से मैं टूटता सा हो चुका हूं अब तो आखिर बख्श दे
तू कल थी मेरी, आज भी और कल भी रहेगी। इंतजार करता हूं, अभी ना हिलूंगा अपने लक्ष्य से। तू देख लेना है ये वादा आज तुझसे कर रहा। तू देख लेना है ये वादा आज तुझसे कर रहा, भगवान मेरा साक्षी है। जो ये बातें कर रहा, मैं जीत लूंगा हर वो मंजर जिस पे तेरी आंखों में झूठ का साया नहीं, सच्चाई जाहिर कर रहा। तूने आज छोड़ा है मुझे, मैं हारा हूं फिर भी नहीं। बस दे नहीं सकता मैं कुछ भी, इसलिए चुप हूं अभी। तू सोचती होगी कि कैसा बेअकल इंसान है। अगर बात खुद की मैं करूं तो तेरे से बात चाहता कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।